स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मृति ईरानी आक्रामक रूप से सोनिया गांधी पर हावी हो रही हैं। इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों ने उनकी हार का प्लॉट तैयार कर दिया था, जब स्मृति ईरानी ने पूर्व संयोजक और अपने से उम्र में काफी बड़ी सोनिया गांधी का नाम लेकर सीधे संसद में हंगामा कर दिया और कहा गया सोनिया गांधी माफी मांगो। बस उसी दिन से उनके बच्चों ने तय कर लिया था कि अपनी माँ की बेइज्जती का बदला लेना है। आपको बता दें कि उसी से लगभग 2 साल बाद आज संसद में उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ गया। जी हाँ, 28 जुलाई 2020 को मानसून सत्र चल रहा था और केंद्र में मंत्री स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन चौधरी के एक बयान को मुद्दा बनाते हुए संसद में हंगामा कर दिया। उन्होंने आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर गलत बयानबाजी करने पर अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सीनियर नेता सोनिया गांधी का नाम लेकर भी संसद में काफी हंगामा किया और उसके साथ ही माफी मांगो के नारे लगवा दिए, जिसके बाद 2 साल बाद उन्हें उनकी इस बेइज्जती का बदला उनके बच्चों ने चुका लिया है। जी हाँ, सोनिया गांधी की बेइज्जती का बदला स्मृति ईरानी को अपनी अमेठी के 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के बदले उठाना पड़ा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में स्मृति ईरानी को अमेठी से हार का सामना करना पड़ा।